बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में बात कर ली है। भाग 3 में मैंने आपको माध्यिका से संबंधित 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है बिल्कुल। और आज के इस क्लास में आपको यानी कि पार्ट 4 में आपको मैं बहुलक से संबंधित 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और हमारा जो अध्याय चल रहा था उसका नाम है अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। आज हम पढ़ने वाले भाग 4 के बारे में। भाग 4 में मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां पर आपको टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि बहुलक से संबंधित होने वाला है। आज जो है वो इस अध्याय का अंतिम वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ हमारा जो इकाई चल रहा था इकाई नंबर 8 सांख्यिकी, इसका भी अंतिम वीडियो होने वाला है। आज जो है वो अध्याय कंप्लीट होगा, आपके सारे चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। 16 के 16 चैप्टर को मैंने अच्छे से कवर करा दिया है। लेकिन बच्चों आपका एग्जाम सीरीज अभी खत्म नहीं होगा, आपको और भी लगातार वीडियो मिलते जाएंगे। आपका 16 चैप्टर खत्म हुआ है लेकिन हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है, आपको लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहना है। आपका एग्जाम सीरीज उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप मैथ्स का पेपर दिलाकर आओगे, तब तक के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उसको देखते रहे और एंजॉय करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो अब देखिए बहुलक से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुलक ज्ञात करने के लिए। देखिए तो बिल्कुल बच्चों आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, मैं मांग के चल रहा हूं, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको अच्छे से अपने फोयर कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है कि सर हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर कैसे निकालते हैं, एल प्लस लिखते हैं, फिर बड़ा सा लगाते हैं यहां पर ब्रैकेट, फिर लिखते हैं F1 - F0, फिर लिखते हैं नीचे में डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 माइनस यहां पर आ जाएगा F2, फिर गुणा में लिखते हैं हम H। बिल्कुल अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया बहुलक से संबंधित तो आप बहुलक के बादशाह कहलाने वाले हो। बिल्कुल बहुलक के आप बादशाह कहलाने वाले हो, कैसे भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आप उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। चलो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका हम आंसर कैसे दें कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बहुलक ज्ञात करने से संबंधित होने वाला है, ठीक है। आ जाओ देखो सर एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के क्या दिया क्या निकालना, बिल्कुल पढ़ लो, अच्छी बात है पढ़ना। आ जाओ निम्न सारणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको एक सारणी दिख रहा है जहां पर दो कॉलम बने हुए, दो पंक्ति बने हुए, कॉलम तो बहुत सारे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बने हुए, दो पंक्ति है, पहले पंक्ति में वर्गांतर है और दूसरे पंक्ति में आवृत्ति है। अब हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चल चुका सर कि हमें बहुलक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बच्चों, बहुलक ज्ञात करना, बिल्कुल बहुलक ज्ञात कर देंगे। देखो सर अब हम इसका आंसर कैसे दें कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। चलो मैं अब आपको इसको एक न्यू स्लाइड ऐड करके अच्छे से समझा देता हूं। देखो एक न्यू स्लाइड मैंने ऐड किया, अब यहां पर देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुद्दा यह है कि सर हमें पूरा पूरा नंबर मिले। सबसे पहले यहां पर लिखो हल, सर हमने यहां पर लिखा हल, देखो हमें टेबल दिए गए थे ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर सुंदर सा एक टेबल बना लेंगे। देखो मैं यहां पर छोटा सा एक टेबल अच्छे से बना लिया है, ठीक है, ये टेबल, ठीक है सब मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते हुए चलेंगे। अब यहां पर इस बॉक्स को हम दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि दो कॉलम बना लिए हैं, कितने, दो कॉलम सर हमने बना लिए। अब क्या करेंगे देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक लाइन लिख रहा हूं, एक लाइन में अच्छा ड्रॉ कर रहा, अच्छा मैंने एक लाइन यहां पर बना दी, ठीक है। अब दो कॉलम बनाए हुए हैं सर, दोनों कॉलम में क्या क्या भरेंगे, तो हमारे पास दो पंक्ति थे उसी के ऊपर हम कॉलम में लिखेंगे, कहानी खत्म। पंक्ति को हम किस में बदल देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहां पर देखो वर्गांतर जो है पंक्ति में दिया था उसको मैं यहां पर किस में लिख दिया, सर हमने लिख दिया इसको कॉलम में लिख दिया, ये हो चुका वर्गांतर, बिल्कुल सर वर्गांतर लिख दिया। दूसरे वाले कॉलम में दूसरे वाले पंक्ति को लिख देंगे जो कि दिया गया आवृत्ति, क्या दिया आवृत्ति सर हमें दिया गया, बिल्कुल आवृत्ति को मैंने यहां पर लिख दिया। अब चलो हम यहां पर टेबल को फिल करते हैं, तो वर्गांतर, अब वर्गांतर को लिखते हैं तो शून्य से लेकर 10 दिया गया, शून्य से लेकर 10 दिया गया, बिल्कुल सर शून्य से लेकर 10 दिया गया, शून्य से लेकर 10, आवृत्ति है 9, कितना है 9, ठीक है। फिर 10 से 20 की आवृत्ति कितनी बार हुई है सर, यह हुआ 17 बार, कितना बार हुआ है 17 बार हुआ है। फिर
फिर यहाँ पर 20 से 30 की आवृत्ति सर 28 बार हुआ है, तो 20 से 30 की आवृत्ति सर 28 बार हुआ है, कितने बार 28 बार हुआ है। फिर सर 30 से 40 की आवृत्ति जो है वो कितने बार हुआ है सर 15 बार हुआ है, कितना बार 15 बार हुआ है सर। बिल्कुल यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी है। अब देखो फिर सर 40 से 50 की आवृत्ति, अच्छा कुछ गलत कर दिया क्या, 30 से 40 में जो है 23 बार हुआ बच्चों, ध्यान देना 30 से 40 की आवृत्ति सर 23 बार हुआ है, 30 से 40 की आवृत्ति 23 बार हुआ है। फिर 40 से 50 की आवृत्ति 15 बार हुआ है, 40 से 50 की आवृत्ति जो है वो 15 बार हुआ है, कितने बार 15 बार हुआ है। फिर अंतिम में है 50 से 60 की आवृत्ति सर 8 बार हुआ है, तो 50 से 60 की आवृत्ति यहां पर मैंने चिपका दिया 8 बार। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी को हमने अच्छे से समझा, जो हमें टेबल दिया गया था यहां पर उसको हमने और अच्छे से बना दिया, दो कॉलम लेकर अच्छे से सजाकर बना दिया, ठीक है सर। यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी है। अब देखो यहां पर, चलो यहां पर मैं इसको अच्छे से आपको बनाकर दिखाता हूं, एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो यहां पर मैं बहुलक का पहले तो फॉर्मूला लिखने वाला हूं, बहुलक का मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, ठीक है। अतः बहुलक देखो बच्चों, अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है और हमारा जो है वो 40% काम हो चुका है। सर बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है एल फिर प्लस बड़ा सा लगाते ब्रैकेट, फिर ये होता है एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई सर ये होता है 2f1 - f0 फिर होता है माइनस का एफ टू इंटू में लगाते हैं सर एच। बिल्कुल अब यहां पर हमें एफ जीरो एफ वन एफ टू फिर एल और एच का मान निकालना, अब कैसे निकालेंगे देखो, चलो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। आ जाओ यहां पर अपनी नजरें जो है वो आवृत्ति पर दौड़ा, ऑब्जर्व करो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे आवृत्ति कौन सी है, सबसे ज्यादा पर जो आवृत्ति हो रही ना वो 28 है, क्या है 28 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे देखो, चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति, बिल्कुल इस बात को यहां पर हम मेंशन करेंगे, चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति 28 है, क्या है 28 है। हमने सब में कंपेयर किया ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली हमें सर, मिल चुका है 28, बिल्कुल 28 मिल चुका है। चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति 28 है इसलिए बहुलक जो वर्ग होगा ना, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो 28 के सामने में कौन सा वर्ग दिख रहा है आपको 20-30, तो बहुलक वर्ग आपका होने वाला है 20-30 है, क्या है 20-30 है। बिल्कुल सर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल नहीं हमारा इतना समझ में आ चुका है, फाइनल आंसर अभी बहुत दूर है, फाइनल आंसर तक बहुत दूर पहुंचेंगे, ठीक है अभी दिल्ली दूर है, आ जाओ ठीक है सर। यहां तक कि हमने कहानी को समझ लिया। अब देखो सर यहां पर तो हमें एफ जीरो एफ वन एफ टू एल इसका किसका मान ज्ञात करें, अब कैसे ज्ञात करेंगे देखो, अब मैं आपको हर चीज एकदम क्लियर कर देने वाला हूं, कैसे आ जाओ देख लो, आ जाओ यहां पर जो आपको आवृत्ति दिख रहे ना, इसके इस आवृत्ति के पहले इस आवृत्ति यहां पर हमने क्या किया था, चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति 28 बार है, उसके ऊपर वाले को हम लेंगे एफ जीरो, क्या लेंगे बच्चों एफ जीरो लेंगे, ठीक है। इसको आपने टेबल पर लिखने की जरूरत है, मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सर। जो 28 लिया ना इसको हम लेंगे एफ वन, बिल्कुल एफ वन का मान निकाल लिए सर, उसके बाद को हम लेंगे एफ टू, क्या निकाल लेंगे एफ टू निकाल लेंगे, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी है। एफ जीरो एफ वन और एफ टू का मान निकाल लिया, लेकिन सर यहां पर तो हमें L का भी मान ज्ञात करना और H का भी मान ज्ञात करना, अब इसकी जगह क्या रखें, तो L का मान यानी कि लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग को देखो और दोनों में लोअर लिमिट कौन सी है, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको छोटी संख्या कौन सी दिख रही है 20 दिख रही है, यही हमारा L का मान होने वाला है। अब यहां पर एक और मान बच चुका है H, और H क्या होता है वर्ग माप होता है, तो दोनों में हम अंतर निकालते हैं, या फिर कहीं से भी वर्गांतर के कहीं से भी आप अंतर निकाल सकते हो, आपको क्या मिलेगा 10-10 का अंतर मिलेगा, देख लो हर जगह 10-10 का अंतर चल रहा है, 20 से 30 आया तो कितने का अंतर दिख रहा है सर 10 का अंतर आ रहा है, अतः एज का मान क्या हो चुका आपका हो चुका सर 10 हो चुका। अब देखो अब यहां पर हम इसको लिखने वाले कैसे लिखेंगे, आ जाओ देख लो, तो यहां करके आप लोग लिखो यहां, बिल्कुल यहां ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले को तो नीचे लिखना था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एफ जीरो बराबर सबकी वैल्यू हम रखने वाले हैं, एफ जीरो बराबर सर एफ जीरो बराबर तो 17 मिला, बिल्कुल मिला है सर। फिर एफ वन बराबर हमें क्या मिला है सर, एफ वन जो मान है ना वो 28 मिला, बिल्कुल मिला है। फिर एफ टू का मान क्या मिला हुआ है सर, एफ टू का मान जो है हमें 23 मिला हुआ है सर। एल का मान, एल क्या है आपका लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और एल का मान सर हमें मिला हुआ था 20, बिल्कुल 20 चिपका दिया ठीक है। चलो
एकदम डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, बार बार बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारे ऐप को जाना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक जानकारी नहीं दूंगा, बेसिक को हम करेंगे इग्नोर, फास्ट इसको सॉल्व करने वाला है। चलो आ जाओ सर, एल का मान निकाल लिया, अभी भी एच का मान बचा हुआ है, तो एच का मान यानी कि वर्गमान, तो दोनों में हम अंतर निकालेंगे, कोई भी वर्गांतर को लो और दोनों का अंतर निकाल दो, तो इसी को मैं ले लेता हूं, तो 20 और 30 दोनों का अंतर निकालेंगे सर, हमें मिल जाएगा 10, बिल्कुल 10 मिल चुका है। ठीक है, हम निकाल रहे थे बहुलक, क्या निकाल रहे थे बहुलक, ठीक है आ जाओ, तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सबकी वैल्यू हम रखने वाले एल, एल का मान हमने निकाला हुआ कहां गया, एल का मान भैया ये है क्या, 20 है क्या, हाँ चलो 20 चिपका दो सर, 20 चिपका आ जाए, प्लस है तो प्लस, फिर देखो सर एफ वन का मान रखेंगे 28, बिल्कुल चुपका 28 हो चुका, माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मान सर 17 रखने वाला, बिल्कुल 17 रख दिया। अब देखो यहां पर, अब सर यहां पर 2F1 है, तो F1 का मान था 28, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 28 दूनी यहां पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 56, कैसे 56 आया मैंने बता दिया, क्योंकि 2 का गुणा था। फिर माइनस एफ जीरो, सर एफ जीरो का जो मान है वो 17 है ना, बिल्कुल चुपका, फिर माइनस है, फिर एफ टू का मान सर 23 है, बिल्कुल चुपका सर यहां पर आ जाएगा 23। फिर देखो गुणा में क्या था, एच, एच का मान हमने निकाला हुआ 10, बिल्कुल यहां पर सर में 10 चिपका दिया। चलो आगे की कहानी में अब क्या है इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर मैंने लिखा 20, फिर क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो सर 28 में हम 17 को घटाने वाले हैं, देखो 28 में 17 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 में 7 को घटाएंगे तो यहां पर मिल चुका 1, 2 में 1 को घटाएंगे सर यहां पर मिल जाएगा 1, यानी कि 11 मिला हुआ है। अब यहां पर देखो, पहले मैंने 56 को एज इट इज लिखा, अब देखो इन दोनों को मैं जोड़ने वाला और ऋण का चिन्ह लगाने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है ऋणात्मक में, तो दोनों को जोड़ेंगे और ऋण का चिन्ह लगा देंगे। चलो दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या मिलने वाला सर, हमें मिलने वाला 40, क्या मिल चुका सर 40 मिल चुका। ठीक है, अब देखो यहां पर गुणा में हमने लगा दिया 10 को 10 लगा दिया। चलो अब देखो तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर अब क्या मिलेगा सर, यहां पर मिल चुका है 20 धन। अब देखो यहां पर क्या होगा, 11 को मैंने लिखा, 56 में अगर हम 40 को घटा देंगे तो बिल्कुल आप घटा कर दे सकते हो, आपको मिलने वाला है, देखो यहां पर आपको मैं घटा कर दिखा भी देता हूं, ये 56 से 40 घटा देंगे ये हो जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 16, यानी कि सर हमें मिल चुका है 16। फिर गुणा में क्या आ जाएगा सर, आ चुका है 10, क्या मिल चुका 10 मिल चुका। ठीक है, चलो आगे की कहानी में क्या, अब देखते हैं। देखो सर यहां पर मैंने लिखा 20 को, यहां पर हमने किसको लिखा, 20 को लिखा, ठीक है 20 को लिख दिया। अब देखो यहां पर 11 का गुणा करेंगे 10 से तो सर हमें मिल जाएगा 110, बटे में आ जाएगा 16, क्या आ चुका 16 आ चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, 110 को मैं 16 से भाग करने वाला हूं तो क्या मिलेगा। अब देखिए बच्चों, 110 को अगर हम 16 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पर मैंने लिखा 20 धन, यहां पर मिलेगा 6.88। इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से करके चलूंगा कि आपको भाग देना आता होगा, अगर मैं यहां पर डिवाइड करना आप लोगों को सिखाने लग गया तो वीडियो बहुत हो जाएगा लंबा, आपको खुद से डिवाइड करना है, रफ में जाना है और इसको सॉल्व करना है कि सर 110 को अगर हम 16 से भाग देंगे ना तो 6.88 मिलने वाला है। अब क्या करेंगे, तो बहुलक बराबर, देखो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है बहुलक बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26.88, 26.88 हमारा फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, बहुलक बराबर 26.88 ये होने वाला है हमारा फाइनल आंसर, जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाली है। तो सबसे अगर मैं इजी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा ना तो आपका बहुलक से संबंधित ही होता है, कुछ भी नहीं करना है बहुलक से संबंधित में, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, उसको आप इजिली कर लोगे और इस तरह से आपके 4 में से 4 अंक मिलने वाला है। एक क्वेश्चन को मैंने करा दिया, एकदम डीप सिखाया है, अब जो क्वेश्चन करने वाला है इसको हम थोड़ा सा स्पीड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन आपके इस अध्याय का, इस यूनिट का, और ये आपका पूरे चैप्टर का अंतिम कौन सा होने वाला, प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न के साथ हम अपने इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले। आ जाओ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार, दो बार पूछा गया है, हर 2 साल के अंतराल में पूछा जा रहा है, 2017 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 100% लिख के ले लो कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला, बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर में यही जो क्वेश्चन है वो छपने वाला। चलो क्या बोला क्या निकाला एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, नीचे की तालिका में किसी विषय के विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। यहां पर आपको टेबल दिख रहा होगा, 2 कॉलम बने, ऊपर में प्राप्तांक है और नीचे में विद्यार्थियों की संख्या है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने जाएंगे क्वेश्चन की ओर, और यहां पर हम बनाएंगे एक टेबल, सुंदर सा मेरे साथ साथ आप लोग भी टेबल बनाते हुए चलो। देखो तो यहां पर लिखा हमने हल,
बहुलक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना जहां पर दो ही कॉलम लेते हैं। कितने कॉलम लेते हैं? दो कॉलम हम लेते हैं। बिल्कुल, यहां पर बच्चों हमने बना दिया टेबल। देखो ये मैंने पहले तो एक बॉक्स बनाया, फिर क्या करेंगे, यहां पर दो कॉलम बना देंगे। बिल्कुल सर, दो कॉलम हमने यहां पर अच्छे से बना दिया। चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। फिर यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कर दो सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। चलो तो सर पहले वाले कॉलम में क्या रखेंगे, तो पहली वाली पंक्ति को, पहली वाली पंक्ति जो है वो प्राप्तांक का है, तो यहां पर मैंने लिखा प्राप्तांक। ठीक है, ये हो चुका प्राप्तांक। अब प्राप्तांक के उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या। किसको लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां पर आ जाएगा दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। बिल्कुल ये हो चुका सर, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, बस अपने टेबल को फिल करना। सर टेबल को फिल कैसे करेंगे? प्राप्तांक, तो 30 से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 11 विद्यार्थी हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सर कि 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाला ना वो 11 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 11 विद्यार्थी है। ठीक है, अब 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 29 विद्यार्थी है। तो 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले आपके पास 29 विद्यार्थी बैठे हुए। ठीक है सर, यहां तक की कहानी भी समझ में आ चुकी है। 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले आपके पास 6 विद्यार्थी। बिल्कुल एकदम सीध में लिखना है, आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर अगला दिया गया है कि 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी है। तो हमने यहां पर लिखा 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 3 विद्यार्थी। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी समझ में आ चुकी है। फिर अगला दिया गया कि सर 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले केवल एक ही विद्यार्थी है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी? सर एक विद्यार्थी। बिल्कुल सर, हमने यहां तक की कहानी को समझ लिया। अब देखो, अब हम निकाल रहे हैं बहुलक। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या में। सबसे बड़ी संख्या में सर यहां पर दिख रहा है 29। क्या दिख रहा है? 29 दिख रहा है सर। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो यहां पर चूंकि करके लिखते हैं। चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति सर, सबसे अधिक आवृत्ति क्या है? 29 है। क्या बच्चों? 29 है। तो यहां पर बहुलक वर्ग क्या होगा? तो 29 के सामने वाले यहां पर वर्गांतर को देखो, क्या दिख रहा है सर? 40 से 50 दिख रहा है। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, या फिर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हो किसको, दूसरे नंबर का ना, तो दूसरे वाले पंक्ति में क्या दिया है सर? 40 से 50 है। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी को हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो हम एक स्लाइड और ऐड करेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फॉर्मूले को लिखेंगे जो कि हमारा बहुलक से संबंधित होने वाला है। अतः बहुलक देखो, बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर। तो बहुलक के लिए L प्लस बड़ा सम लगाते हैं यहां पर ब्रैकेट, फिर यहां पर आता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय सर आता है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, फिर आता है इनटू में H। ठीक है, यहां तक की कहानी सर हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं F0 F1 F2 L और H का मान। कैसे निकालेंगे? तो टेबल पर वापस आओ और इसको देखो सर, यहां पर जो 29 आया ना, उसके ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला ये हमारा होता है F0 क्या मिल चुका सर? 11 मिल चुका। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया हमारा F1 का मान सर 29 हो चुका, F2 का मान हो चुका सर हमारे पास 6 आ चुका, 6 मिल चुका। ठीक है, चलो सबको हम यहां पर पहले तो लिख देना चाहेंगे कि सर F0 का जो मान आया है ना वो हमें मिला हुआ 11, बिल्कुल चिपका हुआ 11। ठीक है, फिर सर F1 का जो मान है ना, F1 का मान यहां पर हमको दिख रहा है 29। क्या आ चुका? 29 आ चुका सर। F2 का जो मान है ना वो आया था 6। क्या आया था? बिल्कुल यहां पर आप देख पा रहे हो 6 आया था। अभी भी L और H का मान निकालना बाकी है सर। L का मान तो होता है वो लोअर लिमिट होता है, तो वर्गांतर को देखो यहां पर क्या दिख रहा है, बहुलक वर्ग है, 40 और 50 दोनों में कंपेयर करो, छोटी संख्या आपको दिख रहा है 40, तो लोअर लिमिट L का मान सर हो चुका 40। ठीक है, फिर H का मान भी निकालते हैं, तो वर्गमाप, तो यहां पर जो आपको वर्गांतर मिला इसी का आप अंतर निकाल दो, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है सर? 10 का आ रहा है। बिल्कुल H का मान आ चुका 10। सारे वैल्यू हमें मिल चुके हैं, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। तो बहुलक बराबर देखो L, सर L का मान हमने तो निकाला हुआ था 40, बिल्कुल यहां पर आ चुका 40 धन। अब देखो यहां पर
सर F1 का मान तो हमने निकाला हुआ था 29, बिल्कुल चुपका 29 चुपका दिया। अब F0 का मान क्या रखेंगे? तो सर F0 का मान हमने निकाला हुआ था 11, बिल्कुल सर हमने यहां पर 11 लिख दिया। 2F1 का मान है, ठीक है, तो F1 का मान क्या था? 29 था। अब इसका हम गुणा करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा सर? यहां पर यह हो जाएगा 58। क्या हो चुका सर? यहां पर यह हो चुका 58। यहां तक की कहानी सर अच्छे से क्लियर हो चुकी। अब देखो यहां पर माइनस F0, सर F0 का मान क्या है? तो F0 का मान आपको दिखेगा यहां पर 11। क्या दिखा बच्चों? 11 दिख गया। फिर माइनस, अब देखो यहां पर सर हमें लिखना है F2 का मान, तो F2 का मान आपको दिख रहा, अच्छा बिल्कुल 6 चिपका दो, इनटू H। सर H का मान हमने निकाला हुआ 10, बिल्कुल हमने यहां पर लिख दिया 10 को। अब देखो आगे की कहानी, तो 40 धन, अब देखो यहां पर क्या होगा। फिर 29 में हम 11 को घटाने वाले, पहले 9 में मैं 1 को घटाऊंगा सर मुझे मिलेगा 8, 2 में 1 को मैंने घटाया सर हमें मिल चुका 18। नीचे में क्या आएगा? तो 58 को पहले मैंने एज इट इज लिखा, दोनों माइनस वाले को मैंने जोड़ दिया और मैंने माइनस का यहां पर चिन्ह लगा दिया, ठीक है, इनटू में 10 है, 10 को मैंने लिख दिया। चलो आगे की कहानी में शुरू, अब क्या होता है? तो 40 को मैंने लिखा फिर धन, फिर हो जाएगा 18। अब देखो 58 में हम 17 को घटाने वाले हैं, बिल्कुल 58 में 17 को घटाने वाले हैं, तो 8 में 7 गया तो मिलेगा 1, 5 में 1 गया सर मिलेगा 4। क्या मिला? 4 मिला, यानी कि 41 मिल चुका है। अब गुणा करेंगे सर हम 10 से, ठीक है, बिल्कुल यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे? मुद्दा यह, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, हल करेंगे। तो 40 धन, अब देखो 18 का गुणा करूंगा मैं यहां पर, थोड़ा सा 16 जैसे दिख रहा है, 10 है ना, 10 करो, 10। 18 का गुणा किससे करेंगे सर? 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 180, फिर डिवाइड करेंगे 41 से। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 40 मिलेगा धन। अब इतनी उम्मीद मैं फिर से करूंगा कि आपको 180 को 41 से भाग देने आना चाहिए, तो सर आपको मिलेगा 4.38। क्या मिला? 4.38 मिला, बिल्कुल रफ में जाइए, इसको आप भाग देकर देख लीजिए। तो बहुलक बराबर दोनों को जोड़ देंगे सर, 44.38 हमें मिल चुका है, ये हमारा होने वाला फाइनल आंसर। तो बहुलक से संबंधित मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करा दिए हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार छाप के रखना इसको, 10 स्टार, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस अध्याय को कंप्लीट कर दिया, आपका 16 का 16 भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो पूरा यूनिट था यूनिट 8 हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है, सारे चीजों को हमने अच्छे से एकदम बारीकी से समझ लिया है। अगर लगता है कि सर और एकदम बारीकी से पढ़ा दो, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने हर एक चीजों को एकदम टॉपिक वाइज अलग अलग आपको पढ़ाया हुआ, सेपरेट सेपरेट सबका वीडियो मिल जाएगा, एप्लीकेशन को ज्वाइन करके वहां पर भी आप देख सकते हो। अगर केवल आपको एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो बिल्कुल ये आपके एग्जाम सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे, जितने भी PYQs बनते थे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, मैंने सारी चीजों को पूरे 16 के 16 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है। मैं अपनी बात को एक बार और बोल दूं कि हमारा एग्जाम सीरीज आज खत्म नहीं हुआ है, हमारा 16 चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से वीडियो डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना है। बिल्कुल आपकी मेहनत जो है रंग लाने वाली है, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।